दोस्तों सवाल आ रहे हैं डेक्सोना और पेक्टिन के बारे में। बॉडी बिल्डिंग में कई लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, मसल बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिम जाने वाले लोगों को लोग कह रहे हैं कि आप डेक्सोना ले लो, डेक्सोना ले रहे हैं कई लोग। तो वो क्या है, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं? ऑलरेडी दोस्तों इस टॉपिक पे एक फुल डिटेल वीडियो है मेन चैनल पे, लेकिन हो सकता है कई लोगों को ये पता ही ना हो कि डेक्सोना बेसिकली डेक्सा मिथासोन है। डेक्सा मिथासोन एक कॉर्टिको स्टीरॉयड है। कॉर्टिको स्टीरॉयड एनाबॉलिक स्टीरॉयड अलग होते हैं। कॉर्टिको स्टीरॉयड दवाई होती है जो कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, आर्थराइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक राइनाइटिस ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है, क्योंकि ये बॉडी का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कम करते हैं। ये बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी हो बॉडी की, वो कम करते हैं। ग्लूकोज शरीर का शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, बॉडी के अंदर एक तरीके का स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ाते हैं। कई बार इनसे ये होता है कि इन लोगों का जो ये ले रहे हैं इनके अंदर वेट लॉस होता है, बिकॉज ये बॉडी क्या करती है, सब कुछ तोड़ के मसल फैट तोड़ के शुगर बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, लेकिन ये हाथ पैर के मसल्स टूटते हैं और सेंट्रल ओबेसिटी बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली शुगर ज़्यादा हो जाते हैं, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो ये पेशेंट के जो शुगर बढ़ेंगे या तो वो इस्तेमाल करेंगे, या तो एक्सरसाइज करेंगे, या तो वो फैट बनाएगा, तो वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, हाथ पैर के मसल्स पतले, सेंट्रल ओबेसिटी, पीछे एक हम्प, इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ये एक स्टीरॉयड है, क्रोनिक डेक्सामेथासोन, क्रोनिक स्टीरॉयड प्रेडनिसोलोन, इन सब के यूज़ का, कॉर्टिको स्टीरॉयड के यूज़ का बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं आपके शांत हो जाते, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बोन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कैटरैक्ट हो सकता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, वॉइस ख़राब हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, बहुत ग्लॉकोमा, हाई बीपी, हाई शुगर और बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। डेक्सोना इज अ स्टीरॉयड, इज अ कॉर्टिको स्टीरॉयड, मजाक नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। डेक्सोना से एक्चुअल मसल ग्रोथ नहीं होती, उसका काम ही नहीं है मसल ग्रोथ करना, डेक्सोमेथासोन का काम ही नहीं है मसल ग्रोथ करना, उसका काम तो कैटाबॉलिज्म है, वो तो फटाफट मसल तोड़ेगा, शुगर बढ़ाएगा। तो पता नहीं क्यों लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अगर इस बारे में आपको डिटेल में जानना है तो सिर्फ आपको स्टीरॉयड की मेरी सीरीज देखनी है। स्टीरॉयड पे 3-4 वीडियोस हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से सब समझाते हैं, स्टीरॉयड बनते कहाँ हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उसको दवाई की जैसे दिया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं लोग और उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सो ये स्टीरॉयड की सीरीज़ डॉक्टर एजुकेशन पे इंग्लिश हिंदी दोनों वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके देखिए और समझिए। ये सब टेक्सोना यूज़ करना बंद कर दीजिए। पैक्टिन एक एंटी हिस्टामिनिक है, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक ज़्यादा दिनों तक लेंगे तो आपकी बॉडी की खुद की एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, फिर उस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, वरना एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे जब भी वो बंद करेंगे। तो कोई भी दवा मजाक नहीं होती, डोंट प्ले विथ योर सेल्फ। ऑल राइट, वॉच दीज वीडियोज, वॉच दी एलर्जी वीडियो, वॉच द स्टीरॉयड वीडियो एंड वॉच द सीरीज, नया सीरीज ज्वाइन करो। नया सीरीज शुरू किया है कि कैसे बनेगी बॉडी बिना किसी फालतू प्रोडक्ट के, बनती है, प्रॉपर बेसिक तो समझो, बस जाके देखिए समझ जाएंगे। अब ये वीडियो बनाई है किसी एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे, तो इसे शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुँचें जो एक्चुअली में ये सब टेक्सोना एंड ऑल यूज़ कर रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि यूज़ करो। इंडिया का यूथ ख़राब हो रहा है, इंडिया के लोग बच्चे ख़राब कर रहे हैं, उनके शरीर खराब, ताकि और किसी का शरीर जो है वो परमानेंटली डैमेज, खराब ना हो जाए।